खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष का प्रदर्शन, लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र में हुई लोकतंत्र की हत्या। ठीक है महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है। राहुल गांधी को मिला रविशंकर प्रसाद से जवाब। 30 साल का संबंध छोड़ के चली गई शिवसेना बिल्कुल राजनीतिक स्वार्थ से, अवसरवादिता से, और उनको पकड़ लिया कांग्रेस पार्टी ने लालच के अनुसार। तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रही है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। महाराष्ट्र के सत्ता संग्राम में कल का दिन होगा अहम। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कितना मौका मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट कल ये तय कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज करीब 1.5 घंटे तक सभी पक्षों को विस्तार से सुना और उसके बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कल सुप्रीम कोर्ट बताएगा महाराष्ट्र की लड़ाई में कैसे होगी चढ़ाई। ये तोड़फोड़ करना ये लोकशाही के हित की बात नहीं है और राज्य की जनता ये तोड़फोड़ वाली नीति को मान्यता नहीं देगी। तीनों दलों की ये पागल बनती है क्योंकि इस पत्र में नेता मुख्यमंत्री कौन इसका उल्लेख नहीं। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। वक्त तो मातृभूमि का हो रहा है और मातृभूमि में आज बात सत्ता की मातृभूमि की करेंगे जो इस वक्त देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बनी हुई है। मुंबई में थोड़ी देर बाद शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी के विधायक एक साथ फोटो सेशन कराने वाले हैं। बड़ी खबर इस समय की, सबसे पहले हम आपको मुंबई ले चलेंगे जहां पर होटल हायत में इन विधायकों का फोटो सेशन होने वाला है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह वहां मौजूद है। तो तीनों पार्टियों के 162 विधायक इस फोटो सेशन में शामिल होंगे। एक तरीके से शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन करने का यह अनोखा तरीका है। फोटो सेशन कराकर कहीं ना कहीं राज्यपाल को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारे पास आंकड़ा मौजूद है, तो अगर आप फ्लोर टेस्ट कराएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी जो है वो धाराशाही हो जाएगी। अब मैं रुक कर लेती हूँ मेरे सहयोगी मृत्युंजय का। बताइए मृत्युंजय, फोटो सेशन की तैयारियां पूरी हो गई, 162 विधायक वहां इकट्ठा हो गए, क्या चल रहा है इस समय वहां पर? शोभना, बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसकी जो रणनीति थी वो कल ही तैयार हो गई थी। कल ही तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने तय कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कुछ ऐसा फैसला आता है या फिर वहाँ पर फडणवीस सरकार की तरफ से ये दलील दी जाती कि उनके पास आंकड़े पक्ष में है तो हम ये जनता के सामने तस्वीर लाएंगे। और आज यही वजह थी कि रात के समय में जो तमाम रेनेसेंस होटल में एनसीपी के विधायक थे उनको हयात होटल में शिफ्ट किया गया। हयात होटल जो कि काफ़ी बड़ा होटल है, थोड़ा सा यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा दूँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ तैयारियाँ हो रही है। एक बड़ा होटल है और यहाँ पे काफी क्षमता वाला होटल है। यहाँ कुछ ही देर बाद तमाम जो बड़े नेता है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। शरद पवार बांद्रा पहुंच चुके हैं। बांद्रा से ग्रैंड हयात की दूरी जो है वो महज 10 मिनट की दूरी है, यानी कयास अनुमान लगाइए कि 10 मिनट में शरद पवार तक यहां आ जाएंगे। कुछ देर पहले शिवसेना के जो तमाम बड़े नेता थे वो यहां पहुंचने लगे हैं। 162 विधायकों के एक साथ यहां पर मौजूद होने का दावा ये तीनों पार्टियां करेंगी। यहां एक रूम बुक किया गया है, उस रूम में 162 विधायक एक साथ होंगे। मीडिया के लिए एक स्टेज बनाया जा रहा है, वहां पे सभी के कैमरे होंगे और वहां पर 162 लोगों को खड़ा करके फोटो सेशन होगा और साथ ही साथ 15 मिनट तक की पूरी प्रक्रिया चलेगी। 162 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी कि वो एकजुट है, एक साथ है। एक बहुत बड़ा संदेश फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास हो रहा है और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां जो बड़ा हॉल है वहां पे तैयारी हो रही है। जी शोभना,
आप नजर बना के रखिए, जैसे ही ये फोटो सेशन शुरू होगा फिर हम आपका रुख करेंगे। सबसे पहली तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे सिर्फ एबीपी न्यूज के जरिए से। और अब राजनीति के इस महाड्रामे की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले देश के दर्शकों के मन में जो सवाल महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को लेकर उठ रहे हैं या दिमाग में चल रहे हैं, हम उसका जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा जो पहला सवाल जो हमारे मन में भी है और आपके मन में भी होगा, एनसीपी किसकी है? तो जवाब हम आपको बता दें कि अजीत पवार ने विधायक दल के नेता की हैसियत से बीजेपी को समर्थन दिया है। बाद में शरद पवार कैंप ने अजीत पवार की जगह जयंत पाटिल को नेता बना दिया। दो खेमों में बटी हुई है इस समय एनसीपी। अब फ्लोर टेस्ट के दौरान पता चलेगा कि कौन किसके साथ है, क्योंकि सिर्फ मीटिंग कर लेने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से तो कुछ साफ स्थिति होती नहीं है। दूसरा सवाल आपके मन में यह उठ रहा होगा इस वक्त, एनसीपी विधायक दल का नेता कौन है? अजीत पवार अपने कैंप के नेता हैं तो जयंत पाटिल शरद पवार कैंप के हैं, यानी दोनों का अपना अपना दावा है एनसीपी के ऊपर। लेकिन सवाल वही होगा कि विधायक दल का नेता कौन, एक तरफ अजीत पवार और दूसरी तरफ जयंत पाटिल। तीसरा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या अजीत पवार अब भी एनसीपी में है, क्योंकि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही तो उन पर हुई नहीं है। ट्विटर पर कल खुद को एनसीपी का नेता कहा और शरद पवार ने अभी तक निकाला भी नहीं है उन्हें पार्टी से। अजीत पवार के ट्वीट का हम जिक्र कर रहे हैं इस जवाब में आपके लिए। अगला सवाल आपके मन में ये जरूर उठ रहा होगा कि शरद पवार ने अजीत पवार को आखिर क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई अभी तक अजीत पवार के खिलाफ? तो हम जवाब आपको दे देते हैं, शरद पवार अजीत को निकाल देंगे तो उनकी सदस्यता को खतरा नहीं होगा, विधायक वो बने रहेंगे। तो आप समझिए कि ये बहुत गहरा खेल है जो हमें और आपको जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है, यही सियासत है। अगला सवाल आपके मन में होगा कि क्या अजीत को नहीं निकालने का नुकसान शरद पवार को भी होगा? तो जवाब भी हम आपको बता देते हैं, अजीत भी खुद को एनसीपी का क्लेम कर रहे हैं, ऐसे में अजीत ने विधायक दल के नेता की हैसियत से शरद पवार और सुप्रिया सुले बातचीत कर रहे हैं और ग्रैंड हाथ होटल के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। शरद पवार और सुप्रिया सुले ये होटल में दाखिल होने जा रहे हैं और आपको बता दे कि यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन होना है और इसीलिए शरद पवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए, शरद पवार सुप्रिया सुले दोनों लगातार बातचीत कर रहे हैं। वर्ली से दोनों साथ अपने सिल्वर ओक घर से साथ से निकले हुए हैं और यहाँ जो शक्ति प्रदर्शन होगा उसमें शरद पवार शपथ दिलाएंगे अपने विधायकों को कि वो तटस्थ है, एकजुट है और यही मैसेज शिवसेना और कांग्रेस के भी विधायकों को दिखाया जाएगा। और बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है, कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे। अब तमाम जो एनसीपी के विधायक हैं वो पहले से ही ग्रैंड हयात होटल में पहुंचे हुए हैं और इसीलिए बड़े नेता का पहुंचना और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी करना, भले ही आंकड़ों के जरिए लीगल कागजात पर बीजेपी दावा करे कि आंकड़े उनके पक्ष में हैं, लेकिन जो चेहरे हैं विधायकों के पोस्ट मीडिया के सामने दिखाए जाएंगे, यानी कि मीडिया के जरिए पूरे देश में एक परसेप्शन जो तैयार किया जाएगा कि हमारे सामने आपके सामने 162 विधायक हैं। और आपने हमें सबसे पहली तस्वीरें दिखाई, शरद पवार और सुप्रिया सुले रेनेसा होटल पहुंच गए हैं। ये वो रेनेसा होटल है जहां पर 162 विधायक यानी कांग्रेस के विधायक, एनसीपी के विधायक और शिवसेना के विधायक इकट्ठा हो रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है इन तीनों दलों के द्वारा और फोटो सेशन अभी समझना पड़ेगा। जी, शरद पवार और सुप्रिया सुले पहुंचे हुए हैं ग्रैंड हयात होटल और यहाँ पर ये सबसे पहले अपने विधायकों से भी मिलेंगे। 54 विधायक जिसमें सिर्फ अजीत पवार नहीं है, सभी विधायक आ चुके हैं, उन्हें पहले शरद पवार और सुप्रिया सुले मिलेंगे और उसके बाद जो एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा, वहां पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जयंत पाटिल, अशोक चव्हाण, तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो ये दिखाने की कोशिश है शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से और ये बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है, थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रैंड हयात होटल से, जहां पर तमाम जो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के एमएलए हैं वो एक साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ये तस्वीरें जो शरद पवार फिलहाल होटल के परिसर के अंदर चले गए।
मृत्युंजय, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई। हम देख सकते हैं कि किस तरह आप भाग रहे हैं और सबसे पहली तस्वीरें हमने एबीपी पर दिखाई। शरद पवार और सुप्रिया सुले पहुंच चुके हैं रेनेसा होटल। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फोटो सेशन के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है और कौन कौन बड़े नेता पहुंच रहे हैं? देखिए, यहां पर कोशिश है कि ना केवल संख्या बल दिखाया जाए बल्कि एक परसेप्शन तैयार किया जाए पूरे देश के सामने कि किस प्रकार से यहाँ पर अगर सरकार फडणवीस सरकार बनती है तो ये संविधान का गला घोटा जाएगा। वो परसेप्शन तैयार करने के लिए 162 विधायकों को सामने रखा जाएगा और उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अशोक चव्हाण यानी कांग्रेस के तीन बड़े नेता वो एक मंच पर होंगे और अपने विधायकों को वो शपथ दिलाएंगे। ये शपथ विधि होगी कि हम एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे और इसके लिए बकायदा एक बहुत बड़ा जो बैंक्वेट हॉल है उस हॉल में तैयारियां की गई हैं। जो मुझे जानकारी मिली, एक बहुत बड़ा मीडिया स्टेज बनाया गया है, कम से कम 150 पत्रकारों के लिए एक बड़ा मीडिया स्टेज बनाया गया है और 162 विधायकों को सामने खड़ा किया जाएगा। उसमें से अधिकतर विधायक अपने जो एनसीपी का पट्टा होता है, कांग्रेस का पट्टा होता है, शिवसेना का पट्टा होता है, वो पहनकर शपथ लेंगे कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और जो ये नेतृत्व हमारे सामने है हम उनके सामने हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश के सामने एक तस्वीर लाने की कोशिश होगी कि विधायक यहाँ आपके सामने मौजूद है। लेकिन शोभना, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि शरीर तो यहाँ पर है लेकिन कहीं आत्मा तो अजीत पवार के पास नहीं है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि फ्लोर टेस्ट पर क्या होगा। भले ही ये परसेप्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है लेकिन जो तस्वीर है वो फ्लोर टेस्ट पर साफ होगी। शोभना, मृत्युंजय आप आराम से सांस ले लीजिए, हम देख रहे हैं कि आप एकदम हाफ रहे हैं और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें शरद पवार और सुप्रिया सुले ग्रैंड हायत होटल पहुंचे हैं। आपने हमें दिखाई तस्वीरें का हमें इंतजार है जब 162 विधायक एक साथ फोटो खिंचाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि देखिए संख्या बल हमारे पास है और कहीं ना कहीं जो उनके विधायक है उनको भी इनैक्ट रखना चाहते हैं कि टूट फूट ना हो जाए। देखिए हमारे पास 162 का आंकड़ा मौजूद है और हम सरकार बनाएंगे। अपने विधायकों को भी विश्वास दिलाने की कोशिश है। ये जो 162 लोगों को, 162 विधायकों को आज इकट्ठा कर लिया गया इन तीनों दलों के द्वारा ग्रैंड हायत होटल में। मृत्युंजय जी, शोभना, एक जो यहाँ पर मैंने कल ही जो शिफ्टिंग का काम किया गया था कि रेनेसेंस होटल जो कि पवई में है, पवई और यहाँ ग्रैंड हयात की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, ये जो JW मैरियट होटल है, लेमन ट्री होटल है, ग्रैंड हयात होटल है, ये आसपास के परिसर में है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो जो बस में ग्रैंड हयात होटल से यहाँ पर, तो पहले से NCP के नेता है, JW मैरियट से जो कांग्रेस के नेताओं को लाना है उसके लिए बस तैयार की गई है। उस बस में सभी विधायक एक साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। साथ ही साथ लेमन ट्री जो होटल है वहां पे शिवसेना के नेता है उनके साथ भी ऐसा ही होगा, एक साथ लाया जाएगा। 6:30 से 6:45 के बीच में ये तमाम विधायक इस होटल में पहुंच जाएंगे और सबको एक हॉल में रखा जाएगा जो बैंक्वेट हॉल बुक किया गया है और वहां पर उन्हें पहले 5 मिनट की ब्रीफिंग दी जाएगी, फिर मीडिया को एंट्री दी जाएगी और फिर मीडिया के सामने ये 15 मिनट का एक शक्ति प्रदर्शन होगा और बताने की कोशिश होगी कि देख लीजिए किस प्रकार से 162 विधायक हमारे साथ हैं। सरकार बनाने के लिए 145 की आवश्यकता होती है लेकिन हमारे पास 162 है। साथ ही बड़े नेता भले ही अब तक उनकी वैचारिक दुश्मनी रही हो लेकिन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हो लेकिन अब एक साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अशोक चव्हाण तमाम नेता नजर आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाने की यहाँ पर कोशिश है। तो आप मानकर चलिए 6:30 आप नजर बना के रखिए। अब हम JW मैरियट का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, वहां पर आदेश रावल मौजूद है क्योंकि कांग्रेस के विधायक एकदम तैयारी में है और वहां से बस वो निकलने वाले हैं। आदेश, क्या अपडेट आपके पास, कितनी देर में निकल जाएंगे और यहां से ग्रैंड हायत की दूरी कितनी होगी? शोभना, किसी भी वक्त निकल सकते हैं, लगभग सभी विधायक बस में बैठ चुके हैं अंदर मैरियट के प्रेमिसेस में और यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी है। तीनों ही होटल जो है, ललित हो, हयात हो और मैरियट, तीनों ही एक ही रोड के ऊपर है, इसीलिए तीनों विधायकों को आसपास रखा गया है।
और इस परेड के पीछे इन 162 की जो समर्थन के पीछे कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टी जो है दबाव की राजनीति कर रही है, क्योंकि ये देश को ये दिखाने की कोशिश इनकी तरफ से हो रही है कि हमारे पास बहुमत है और हमें सरकार बनाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो शक्ति प्रदर्शन अभी कुछ देर बाद 7 बजे होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति तीनों पार्टियों की तरफ से हो रही है। दूसरा, आज सुबह जब रणधीर सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाहर आके कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास 154 विधायक हैं, लेकिन अब वो बढ़कर 162। ठीक है आदेश, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही बस में विधायक यहां से रवाना होंगे हम फौरन आपका रुख करेंगे। मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूं। मृत्युंजय, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, जैसा कि मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी और आपको कह भी रही थी कि कहीं ना कहीं तीनों दलों के जो बड़े नेता हैं उनकी ये कोशिश है कि इनके विधायक एकजुट रहें, और जब 162 विधायक एक साथ एक मंच पर होंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगी आपस में। जी बिल्कुल, ये पिछले 2 दिनों तक यही प्रयास रहा है इन दलों के नेताओं का कि वो विश्वास दिलाएं कि इस पूरे राजनीतिक नाटक में अजीत पवार अकेले हैं, बाकी के सब एक साथ हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश थी। देखा होगा आपने कि शिवसेना के नेता कांग्रेस के विधायकों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के नेता एनसीपी के विधायकों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समझाया जा रहा है कि देखिए हम लोग साथ में हैं। आप जब भी अजीत पवार की तरफ से एक ट्वीट आया कि वो स्थिर सरकार देंगे देवेंद्र फडणवीस के साथ में, तुरंत डिनायल आया शरद पवार का, और उस ट्वीट को उनके विधायकों तक, तमाम जो 162 विधायक हैं उन तक पहुंचाया गया कि देखिए शरद पवार जी हमारे साथ है, सिर्फ एक व्यक्ति ने बगावत की है, बाकी पूरी पार्टी साथ है। तो ये परसेप्शन जो है वो दिमाग में बिठाना है, और 162 जब विधायक एक साथ होते हैं और उनके नेता जब सामने होते हैं तो ये तस्वीर जो है वो लंबे समय तक याद रखी जाती है, और वो याद दिलाना है। देखिए शोभना, आप और हम हमेशा बोलते हैं ना कि दल तो मिले हैं क्या, लेकिन दिल मिले हैं। यहाँ दल भी मिल रहे हैं और दिल भी मिलाकर यहाँ एक साथ तस्वीर दिखाई जा रही है। तो यहाँ दिल मिलाकर एक साथ फोटो सेशन होगा, एक फोटो में 162 विधायक दिखाए जाएंगे। और कल्पना कीजिए कल की जो फ्रंट पेज होगी, जो अब तक कहीं ना कहीं राजनीतिक नाटक पर सभी पेपरों के फ्रंट पेज के हेडलाइन होती थी, कल ये 162 विधायकों की तस्वीरें होंगी, और कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो परसेप्शन है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। जी, परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है, दल मिल रहे हैं, दिल मिलाने की भी कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब ये तस्वीर कल अखबार में छपेगी और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है उसका आदेश का इंतजार है, तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जरूर खड़ा होगा कि देखिए ये 162 एक तरफ है, अजीत पवार अलग थलग पड़ गए हैं, और अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। मेरे साथ विजय विद्रोही भी मौजूद है, हमारे कार्यकारी संपादक, और राखी बख्शी जी सीनियर पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। विजय विद्रोही, ये जो पूरी तस्वीर 162 विधायक एक फ्रेम में कल के अखबार की सुर्खियों में, क्या परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश इन तीनों दलों की? देखिए राजनीति में इतनी दलदल हो गई है कि दिल और दल की जो बात करता है ना तो ज्यादा पछता नहीं है। अब ये सब जो कुछ हो रहा है ये थोड़े दिन पहले हो जाता, पहले ही दिल मिल जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। तो मुझे लगता है कि एक परसेप्शन वाली बात तो है, सबसे बड़ी बात है अपने अपने विधायकों को कन्विंस करना कि सरकार हमारी बन रही है, इसलिए टूट कर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख रखा है 10:30 तक, सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश है कि देखिए जो राज्यपाल महोदय ने किया वो गलत किया। मैं शब्द नहीं देना चाह रही थी क्योंकि कोर्ट का मसला है पूरा। हाँ, लेकिन कोर्ट के सामने विजुअल तो आता है ना, विजुअल अखबारों की अगर सुर्खियों में ये 162 विधायकों की तस्वीर एक साथ दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं एक संदेश तो जाता है। लगातार तस्वीर बदल रही है और अब नई तस्वीर जो आने वाली है वो 162 विधायक एक साथ एक मंच पर फोटो सेशन किया जाएगा और कहीं ना कहीं परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश। राखी बख्शी क्या कहेंगी, एक मैसेज देने की कोशिश तीनों दलों के द्वारा कि देखो अजीत पवार अलग थलग पड़ गए, हम सब साथ हैं। देखिए लोकतंत्र के जो धड़ों की बात की गई है उसमें अब लेजिस्लेटिव जुडिशरी के साथ मीडिया की भी एक भूमिका है जिसको फोर्थ स्टेट कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मैं साथ ही एबीपी न्यूज के आपके संवाददाता को भी बधाई देती हूं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये रिपोर्टर्स और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें पूरे देश में लोगों को दिखाई दे रही है। तो यहां ये दिखाने की बात हो रही है। पार्लियामेंट की भी बात बताऊं कि जब वहां पर संसद जब अपना शपथ ले लेते हैं उसके बाद वहां एक बड़ा सा फोटो सेशन होता है, उसकी बड़ी तैयारी होती है और उसमें सारे जो
नेता हैं, सारे सांसद हैं उसमें मौजूद रहते हैं और वो एक बहुत ही नजारा होता है जो हमने संसद में देखा। तो अभी कहीं ना कहीं शपथ तो नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ये दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन की को दिखाने की जरूरत हो रही है कि हम सब साथ साथ हैं। बार बार शंका भी सबको हो रही है, तो वो अपनी अपनी पार्टी में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को भी जो शंका है वो सबको। राखी जी, ये तो हम भी जानते हैं ना कि फोटो सेशन में यहाँ खड़े हैं, लेकिन कब कौन कहाँ एब्सेंट हो जाए, हो सकता है सदन में पहुंचे ही नहीं, और पहुंचे तो किसके पक्ष में वोट दे दें, ये तो आप जानती हैं कि ये और दल की आप बात कर रही हैं। चलिए महाराष्ट्र से, मुंबई से इस समय का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो अपडेट ये है कि होटल ग्रैंड हायत में 162 विधायक फोटो सेशन के लिए तैयार हैं, ग्रैंड हायत में पहुंच चुके हैं। एक साथ विपक्ष के 162 विधायकों का फोटो सेशन होना है। शरद पवार, सुप्रिया सूले हायत होटल पहुंच चुके हैं, एनसीपी के नेता वहां पहुंच रहे हैं एक एक कर, शिवसेना और एनसीपी के विधायक को और कांग्रेस के विधायक एकजुट रहने की कसम खाएंगे वहां पर, यानी शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से ग्रैंड हायत में किया जाएगा इन तीनों ही दलों के द्वारा। कहीं ना कहीं एक ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कि देखिए हम एकजुट हैं, हमारे पास आंकड़ा मौजूद है, बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए, हमारे पास तो 162 है। तो ये ग्रैंड हायत से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शरद पवार और सुप्रिया सूले पहुंचे थे, तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जेडब्ल्यू मैरियट से कांग्रेस के विधायक भी बस कुछ ही क्षणों में रवाना होने वाले हैं और ये 162 विधायक एक साथ एक मंच पर खड़े होकर तस्वीर खिंचाएंगे और पूरे देश को कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम एकजुट हैं। आदेश रावल का मैं रुक कर लेती हूं। आदेश रावल जेडब्ल्यू मैरियट होटल में मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं। बताइए आदेश, क्या अपडेट, चले कि नहीं चले वहां से? जी किसी भी वक्त चलने वाले हैं यहां से, मैरियट से और हयात के लिए। और ये देखिए कुछ गाड़ियों में भी जो नेता है वो जा रहे हैं, इसके अलावा जो सीनियर नेता है जिसमें जैसे अशोक चौहान है, बाला साहब थोराट है और पृथ्वीराज चौहान है, इन ये लोग जो उस बस में नहीं है, लेकिन जो बाकी जितने MLAs हैं अब से कुछ ही देर में यानी किसी भी वक्त ये जो विधायक हैं यहाँ से बाहर आ सकते हैं। ऐसी हलचल भी शुरू हो गई है, देखिए जो गाड़ियां आ रही है ये कांग्रेस के नेताओं की हैं जो कि महाराष्ट्र जी बस में बैठ चुके हैं और उनसे बस से पहले जो गाड़ियां निकल रही हैं ये भी कांग्रेस के नेताओं की गाड़ियां हैं जिनमें आप देख रही हैं जी। इस बस के साथ देखिए बस की तस्वीर आपको दिखा दें कि ये वो बस है सामने आपको दिखाई दे रही होगी जी, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक और बाकी सीनियर नेताओं को बिठाया गया है। यहाँ से ये चल के देखिए सबसे आगे विजय वडेट्टीवार बैठे हैं, नाना पटोले हैं, विजय वडेट्टीवार CLP के नेता हैं और ये बाकी जो विधायक नजर आ रहे हैं आपको वर्षा गायकवाड़ है और पीछे शायद अमित देशमुख बैठे हैं। तो ये सभी नेता एक साथ असलम शेख हैं जो कि MLA हैं, ये सभी नेता यहाँ से मैरियट से निकलकर हयात की तरफ जा रहे हैं जहाँ इन्होंने तीनों पार्टियों ने साथ में परिणीति शिंदे बैठी हैं और ये दावा किया गया है कि 162 विधायक तीनों पार्टियों के पास हैं। इसमें कुछ MLC जो विधायक हैं वो भी शामिल हैं और ये दावा किया गया है कि 162 विधायक तीनों पार्टियों के पास हैं और हमारे पास बहुमत है और सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से पहले देश को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो बहुमत है वो इन तीनों पार्टियों के पास है और जो शपथ ली गई है वो गलत हुई है। तो ऐसे में ये विधायक अब होटल हयात की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने वाली है। शोभना, आदेश ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें कुछ विधायक हमें विक्ट्री साइन बनाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं और खुश भी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विधायकों को भी अब ये विश्वास हो रहा है कि तीनों दल मिलकर सरकार बना लेंगे। शोभना इसीलिए इस मीटिंग को किया जा रहा है क्योंकि विधायकों में एक हौसला बना रहे, उनको लगे सरकार बनने जा रही है, आप लोग टूटिए मत। लेकिन अब वो स्थिति पैदा हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति में कि अब शरद पवार के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक इशू हो गया उनके मान सम्मान का और उद्धव ठाकरे के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, अगर अब भी इनके विधायक भाग जाते हैं तो ये इनके लिए शर्मनाक होगा। तो ऐसे में ये जो मीटिंग हो रही है उसका एक मकसद ये भी है कि ताकि MLAs में एक आत्मविश्वास रहे कि हाँ सरकार हमारी ही बनने जा रही है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बार बार उद्धव ठाकरे NCP के विधायकों से मिलने जाते हैं, शरद पवार मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा करने की कोशिश है और ये जो प्रदर्शन है ये दबाव की राजनीति हो रही है। ठीक है आदेश,
आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई, बस में बैठकर जितने कांग्रेस के विधायक हैं वो ग्रैंड हायत के लिए रवाना हो रहे हैं, विक्ट्री साइन भी बना रहे हैं और खुश भी दिखाई दे रहे हैं। अब जितेंद्र दीक्षित मैं आपका रुख कर लेती हूँ, 162 विधायक एक साथ एक मंच पर, क्या संकेत, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, संकेत देने की कोशिश तो यही है कि हमारे पास में बहुमत से काफ़ी कहीं ज़्यादा विधायक हैं और हमें अगर मौका दिया जाता है तो हम एक स्थायी सरकार दे सकते हैं। यही संदेश देने की कोशिश आज राजभवन में भी की गई थी, जब तीनों ही पार्टियों के नेता राजभवन में पहुंचे थे और राजभवन में जाकर तीनों पार्टियों की ओर से एक खत दिया गया और इस खत में ये कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस की जो मौजूदा सरकार है उसके पास में बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में जब विधानसभा में बहुमत पारित करने का वक्त आएगा तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर जाएगी और उसके बाद में आप राष्ट्रपति शासन ना लगाएं और बदले में हमें मौका दें सरकार बनाने का। और हम तीनों पार्टियों के विधायक जो है एक साथ में हैं, हमारे पास 162 का आंकड़ा है और हम स्थायी सरकार दे सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि विधायकों के हस्ताक्षर वाले पत्र भी दिए गए थे जिसमें कि एनसीपी के अपने 51 विधायक थे, इसके अलावा कांग्रेस के 44 विधायक और शिवसेना के 56 विधायक थे। इन विधायकों के अलावा जो समाजवादी पार्टी है उनके विधायकों के हस्ताक्षर थे और बाकी जो निर्दलीय और छोटी पार्टियों ने जिन्होंने कि इस खेमे को समर्थन दे रखा है उन तमाम विधायकों के दस्तखत उस पत्र में साथ में अटैच थे जो कि आज राजभवन में दिया गया है। और अब ये उनकी ओर से ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार अगर गिर जाती है तो इनको आशंका है कि फिर से एक बार कहीं राष्ट्रपति शासन ना लगा दिया जाए, तो इसके लिए एहतियातन ये खत जो है आज दिया गया है। और जो तस्वीर आज राजभवन के सामने पेश करने की कोशिश की गई थी अब उसको फिजिकल तौर पर आज होटल हयात में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तीनों ही पार्टियों के विधायकों को एक साथ बुलाकर जो है उनका फोटो सेशन कराया जा रहा है और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि हम तीनों ही पार्टियां एक साथ में हैं और हम एक स्थायी सरकार देंगे। जो मौजूदा देवेंद्र फडणवीस की सरकार है वो एक तरह से अनैतिक और गैरकानूनी तरीके से बनाई गई सरकार है, धोखाधड़ी से बनाई गई सरकार है और असली सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई सरकार हम ही देने वाले हैं। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर मैं मृत्युंजय का रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, आप हॉटस्पॉट पे खड़े हैं जहां पर 162 विधायक पहुंच रहे हैं और वहीं से हमें वो एक्सक्लूसिव तस्वीर मिलने वाली है शक्ति प्रदर्शन की, बताइए इस समय क्या हलचल वहां पर? शोभना, मैं बता दूं कि आमतौर पर आप और हम जिस कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ मीडिया के कैमरे नीचे होते हैं, जो अतिथिगण होते हैं वो ऊपर बैठते हैं और हम सामने से फोटो लेते हैं, लेकिन यहाँ जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ आपको बता दें कि चारों तरफ बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं जिसपे लिखा है कि VR 162, मराठी में लिखा है आम्ही 162, मतलब हम 162, और हिंदी में लिखा, हिंदी मराठी इंग्लिश में चारों तरफ बैनर लगाए गए हैं बड़े बड़े शब्दों में और पर्पल कलर की कुर्सियों पर अभी से कुछ एनसीपी के विधायक जाकर बैठ गए हैं और जो मीडिया का स्टेज है वो सामने बनाया गया है जहां हम कहते हैं अतिथिगण बैठते हैं, वहां मीडिया का स्टेज बनाया गया है और करीब एक साथ 40 कैमरे लग सकते हैं, इतना बड़ा स्टेज बनाया गया है और इसमें मीडिया कर्मियों के सामने 162 विधायक शपथ लेंगे और ये 15-20 मिनट का कार्यक्रम चलेगा और पूरी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। और अब ये देखना होगा कि शपथ विधि कौन, यहाँ पे जो शपथ दिलाई जाएगी कौन दिलाता है, क्या कहलाता है, लेकिन शपथ विधि यहाँ होगी, लेकिन फ्लोर टेस्ट पर क्या होगा वो अलग है। मैं ग्रैंड हयात होटल के ठीक बाहर ही हूँ और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र होटल के अंदर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ ही देर में जो कांग्रेस की बस JW मैरियट से निकली हुई है वो अगले 7 से 8 मिनट या 10 मिनट में, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ काफ़ी, और इसके पहले अब तक जो गाड़ियाँ जा रही थी वो गाड़ियाँ जो हैं वो किसी न स्थायी समिति के नेता या फिर सुधार समिति के नेता की है। VIP मोमेंट है ये, देखिए मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ सभी जो VIP नेतागण हैं वो इसी रास्ते से आने जाने वाले हैं और ये देखिए आप सिक्योरिटी कॉन्वॉय है, सिक्योरिटी कॉन्वॉय के साथ ये देखिए काफिला बढ़ रहा है। काफिला देखकर लग रहा है कि ये शिवसेना के नेताओं की गाड़ी लग रही है, शिवसेना के नेताओं की गाड़ी है। शक्ति प्रदर्शन 162, सिर्फ इशारा कर रहे हैं। देखिए सिर्फ इसमें विधायक ही नहीं है, जो नगर सेवक हैं, सांसद हैं, वो भी सब पहुंचे हुए हैं और कॉन्वॉय जो है वो यहां पर आपको नजर आएगा धीरे धीरे, बड़े नेताओं का वो आगे पहुंचते जा रहा है। कई यहां जो हमने बताया कि सिर्फ MLA है, तो आपको बता दें कि मुंबई थाने
व्यक्त की है कि उस बस का जिसमें कांग्रेस के एक साथ 44 विधायक यहां पर आएंगे और शिवसेना की बस का जिसमें शिवसेना के जो 56 विधायक हैं वो आएंगे। बताया जा रहा है कि उनके विधायकों के आने के पहले आदित्य ठाकरे उनके आगे लीड करेंगे, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे यहाँ पर पहुंचेंगे। शोभना, मृत्युंजय, हमने ये भी देखा कि जब कांग्रेस के विधायक जेडब्ल्यू मैरिट से निकले तो वो विक्ट्री साइन बना रहे थे। ये बताइए कि जो विधायक या बड़े तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है? क्या वो भी आपको विक्ट्री साइन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं? 162 के पोस्टर और बैनर्स तो लगा रखे हैं। देखिए, मैंने जितने नेताओं से बात की वो अपने लिए कॉन्फिडेंट है, यानी कांग्रेस के नेता कांग्रेस के लिए कॉन्फिडेंट है, शिवसेना के नेता शिवसेना के लिए कॉन्फिडेंट है। जो खेल है वो एनसीपी के नेताओं का है, एनसीपी के नेताओं में ही खेल है कि यहाँ सामने कुछ और तस्वीर रही है, होने को तस्वीर कुछ और हो जाए। हमने देखा कि एक दिन जब शरद पवार ऐलान करते हैं कि उद्धव ठाकरे गठबंधन के नेता होंगे, लेकिन सुबह तस्वीर पलट गई। तो ये एनसीपी का पूरा खेल है और अजीत पवार दम रखते हैं, ये हर कोई मानता है, कांग्रेस के नेता भी मानते हैं, शिवसेना के नेता भी मानते हैं कि अजीत पवार दम रखते हैं कि वो पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं को प्रभावित कर सकते हैं। और धनंजय मुंडे तक उनके साथ में थे पहले दिन, और धनंजय मुंडे मराठवाड़ा इलाके से आते हैं, ओबीसी नेता है, और अगर वो आते हैं तो मराठवाड़ा के नेता भी प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि हमने शिरसागर को देखा, ये एमएलए वो भी उनके साथ आए थे। तो एनसीपी के नेताओं का डर है, कांग्रेस और शिवसेना के नेता आश्वस्त है कि 162 हम दिखा रहे हैं, हमारी क्षमता है, ताकत है, हम सरकार बनाएंगे, इसलिए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। लेकिन एनसीपी के विधायकों पर सभी की निगाहें और उनकी जो हरकतें उस पर सभी की नजरें हैं। जी, तो एनसीपी के कितने विधायक लगभग यहां पहुंच चुके हैं? क्योंकि शरद पवार और सुप्रिया सुले को तो हमने देख लिया तस्वीरों में, यानी आलाकमान तो पहुंच चुका है, अब कितने और विधायकों का इंतजार वहां पर? 51 सिग्नेचर के साथ पर्चा दिया है इन्होंने अपने कि हमारे पास 51 का समर्थन है। मैंने जितेंद्र आभार जो कि थाने जिले से विधायक हैं एनसीपी के, उनसे बात की, उनका कहना है कि अजीत पवार को छोड़कर जितने विधायक हैं वो सभी आ गए हैं। जो दो विधायक हैं जिनकी सुबह सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी एयरपोर्ट से वो आए थे, वो भी आ गए हैं। तो सिर्फ एक विधायक यानी अजीत पवार नहीं है, बाकी उनके 53 विधायक साथ में हैं और शरद पवार जी के नेतृत्व में हैं। तो ये जितेंद्र आभार का दावा है, एनसीपी के नेताओं का दावा है। यहाँ संभव भी है कि सभी नेता यहाँ पर रहे अजीत पवार को छोड़कर एनसीपी के, लेकिन बीजेपी जो है वो कहती है कि फ्लोर टेस्ट पर देखेंगे, यानी बीजेपी का प्लान जरूर कुछ ना कुछ होगा। और इतना कॉन्फिडेंट आपने देखा सभी बीजेपी के नेता दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास तो होगा, लेकिन एनसीपी के यहाँ पर दिखाने के लिए चेहरा तो सब 53 विधायकों का यहाँ पर है। ठीक है मृत्युंजय, एक बार ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ और फिर छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी। ये उस हॉल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जहां पर कि ये पूरा फोटो सेशन होगा, 162 विधायकों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करेगी एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना, ये वही मंच है, मीडिया का भारी जमावड़ा है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक और खास तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की मीटिंग में उप मुख्यमंत्री नहीं दिखे, फडणवीस की मीटिंग से अजीत पवार नदारद हमें दिख रहे हैं, तस्वीरों में नहीं दिख रहे हैं, फडणवीस के बगल वाली कुर्सी खाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, अपने अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक चल रही थी और उस बैठक में के जो विधायक है वो पहुंच गए हैं हाथ होटल में, शिवसेना के ये जो तमाम विधायक है वो जो सफेद रंग की आपको बस नजर आ रही है इसमें बैठ गए। सबसे आगे एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे जो कि थाने के विधायक हैं और बहुत दमखम वाले विधायक हैं और उनका नाम सीएम रेस में भी है। अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो सीएम रेस में जो नाम है वो एकनाथ शिंदे का है। ये देखिए तस्वीरें, आपको एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, एकनाथ शिंदे जो कि बैठे हुए हैं आगे की सीट पर, पीछे शिवसेना के जो एमएलए हैं वो बैठे हुए हैं, आपको तमाम जो शिवसेना के नेता हैं वो नजर आएंगे। विक्ट्री साइन दिखाइए, विक्ट्री साइन देख सकते हैं कि शिवसेना के विधायक भी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे साथ नंबर है, हमारे साथ आंकड़ा है। ये जो शिवसेना के विधायक हैं, 56 संख्या है विधायकों की, ये 56 विधायक यहाँ पर बस में पहुँचे हुए हैं। एकनाथ शिंदे जिन पर जिम्मेदारी थी कि वो तमाम नेताओं को लेकर पहुँचे, और एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों को लेकर ग्रैंड हयात होटल पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए, इसके अलावा आपको दिलीप मामा लांडे नजर आएंगे, दिलीप लांडे जो कि मुंबई के चांदिवली इलाके से विधायक हैं, पहली बार जीते हैं और 20 साल से जो विधायक थे नसीम खान उनको हराया, मात्र 409 वोट से जीते थे ये चुनाव, पहली बार विधायक बने हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके के विधायक हैं। ये बस जो है अब वो अंदर जाएगी, शिवसेना की बस है ये, 56 विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में।
और उसके पीछे भी जो गाड़ियां हैं उसमें भी तमाम जो शिवसेना के नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, शिवसेना के जो तमाम नेता हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी है इन तमाम नेताओं को। किस प्रकार से शिवसेना के जो विधायक हैं वो आप पहुंच गए हैं, यानी आप सिर्फ लेकिन दो तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में तो विक्ट्री साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर भी कम दिलचस्प नहीं है। जितेंद्र दीक्षित सीएम फडणवीस बैठक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बगल की कुर्सी खाली पड़ी है। अजीत पवार नदारद हैं तस्वीर में से, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए आज की तस्वीर है ये, और इसमें क्लाइमेट रेसिलियंस इम्प्रूवमेंट एंड फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ में ये बैठक थी देवेंद्र फडणवीस की, और इसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को होना चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही थी, और खुद देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया है। और इस तस्वीर में मैं देख रहा हूँ कि जो उनके दाहिनी तरफ की जो कुर्सी है वो खाली है। अमूमन यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस कुर्सी पर बैठते हैं, और ये कुर्सी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर अजीत पवार को बैठा होना चाहिए था, लेकिन अजीत पवार तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो इसके अब तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायना ये निकाला जा रहा है कि अभी भी अजीत पवार आश्वस्त नहीं है कि क्या वो इस कुर्सी पर टिक पाएंगे, फ्लोर टेस्ट के बाद भी क्या ये सरकार रहेगी और क्या वो उप मुख्यमंत्री रह पाएंगे। वो एक बार आश्वस्त होना चाहते हैं, वहां एक बार फ्लोर टेस्ट पूरा हो जाए और उसके बाद में फिर वो पूरी तरह से अपना कार्यभार जो है। जितेंद्र वहां ग्रैंड हायत में 162 जुटने जा रहे हैं, कहीं ये 163वें तो नहीं है जो यहाँ कुर्सी खाली है और वहां भर जाए। मैं विजय विद्रोही आपका रुख कर लेती हूँ। शक्ति प्रदर्शन की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर भी बहुत कुछ कह रही है। क्या संकेत देने की कोशिश इस कुर्सी से हम निकाले? देखिए, इससे कहीं ना कहीं एक तो अजीत पवार पसोपेश में है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। कल तक वो कह रहे थे कि मैं ही एनसीपी हूँ और मैं ही एक स्थायी सरकार एनसीपी दे सकती है। कहीं ना कहीं वो पूरी एनसीपी को अपने साथ लेके चल रहे थे, और आज अगर एनसीपी को साथ लेने का जो दावा ट्वीट पे करता है और अगर वो बैठक में मौजूद नहीं है तो स्वाभाविक है कि वो पसोपेश में है। वो कहीं ना कहीं शायद एक अपना लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शरद पवार के साथ भी खोले रखना चाहते हैं, उन शरद पवार के साथ जिन्होंने उनके खिलाफ छोटा सा रिएक्शन। कुर्सी खाली है, अजीत पवार दबाव में? मैं आपको ये भी बताऊं, बिल्कुल दबाव में ही लग रहे हैं, और इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं कि उस कुर्सी पे अगर नहीं दिखाए। वो विजय सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अब ये जो पूरी कहानी है वो आप देखें तो शतरंज की तरह है। ठीक है, प्यादे जो है एक दूसरे की तरफ हर दिन निकल रहे हैं नए, और इसमें हम बहुत सारी अभी और तस्वीरें देखेंगे। एक फोटो सेशन तो अभी बाकी है शोभना, लेकिन अभी मुझे लगता है ऐसी कई तस्वीरें जो बहुत सिंबॉलिक होंगी वो देखने को मिलेंगी। मृत्युंजय, फिर से मैं आपका रुख कर लेती हूँ, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इसी कुर्सी के लिए तो अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपने चाचा को धोखा दे दिया, अपनी पार्टी को तोड़ दिया। प्रिया सूले का हम अगर बात करें तो उन्होंने ये ट्वीट भी किया था कि पार्टी भी टूट गई और परिवार भी टूट गया। मृत्युंजय बताइए इस समय का क्या अपडेट? यहाँ पर 163वें विधायक की कुर्सी खाली पड़ी हुई है सीएम के बराबर में, और 162 वहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, अजीत पवार को लेकिन मनाने की भी तो कोशिश बहुत हुई है। पिछले 48 घंटे में लगातार एनसीपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सभी उनसे निजी मुलाकात करके आ गए, लेकिन अजीत पवार नहीं माने। और कल जो उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद अब जानकार जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को अच्छे से कवर करते देखते हैं वो कह रहे हैं कि इस बार दादा का पिघलना मुश्किल है, अजीत दादा का। तो लेकिन राजनीति है, कुछ भी संभव है। अजीत दादा पहले भी ऐसे कदम उठा चुके हैं, पार्टी के खिलाफ बगावत भी कर चुके हैं, लेकिन वो लौटकर घर पर आए हैं। तो यह भी सवाल जो आप दर्शकों को रख रही हैं कि सीएम के पास आज होना चाहिए था एक महत्वपूर्ण मीटिंग में, लेकिन वो नहीं है। अब यहां की तस्वीर के बारे में बता दें, जैसा कि आपने देखा कि एक सफेद बस में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 56 विधायक ग्रैंड हयात होटल में पहुंच गए हैं। एनसीपी के नेता जो इसी होटल में ठहरे हुए थे, एनसीपी के एमएलए, वो अपनी अपनी सीट पर बैठ गए हैं। अब सिर्फ कांग्रेस के एमएलए का इंतजार है, और कुछ ही देर में जो यहां से हाईवे थोड़ी दूरी पर है, हाईवे पर वो बस पहुंच गई है जो मुझे लास्ट जानकारी मिली, कुछ ही देर में वो भी पहुंच जाएंगे। तो आप समझिए कि जैसे वो पहुंचते हैं 7:15 के आसपास ये फोटो सेशन और शक्ति प्रदर्शन शुरू होगा। VR 162 जो नारा, और आप इस समय देखें तो वो ट्रेंड करने लगा है, आम भी 162 मराठी में है, हम 162, वो ट्विटर पर ट्रेंड भी ट्रेंडिंग में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया है, सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है, और जो लोग इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं अब उस पर वो ट्वीट कर रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं देखिए अब जो ये शाम को 6 बजे से लेकर अब कल सुबह 10:30 बजे तक ये 162 की बात लगातार चलेगी और यही तीनों दल चाहते थे और वो हो रहा है। बताना कि फिजिकली हमारे पास ये तो कागज पेश कर रहे हैं, हम आपके आपके सामने पूरे देश के सामने 162 विधायकों को रख रहे हैं, ये बताने की कोशिश यहाँ पर दिख रही है। बिल्कुल मृत्युंजय, ये वीडियो बहुत पावरफुल है लेकिन ये खाली पड़ी हुई कुर्सी भी बहुत कुछ कह रही है, कई सवाल ये कुर्सी जो खाली है वो खड़े कर रही है। पहला सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे उप मुख्यमंत्री, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और तब जब इतनी खींचतान मची हुई है, चाचा से दुश्मनी मोल लेने वाली कुर्सी पर क्यों नहीं दिखे अजीत पवार, तब जब उन्होंने चाचा का इतना पुराना साथ छोड़ दिया, खाली कुर्सी बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी तो नहीं है, क्योंकि अजीत पवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, किसी धर्म संकट में तो नहीं है अजीत पवार, तभी बैठक में ना पहुंचे हो, किसी तरीके से वो घर लौटने की सोच रहे हो, क्या अजीत पवार के मन में कुछ और चल रहा है? तो ये जो खाली कुर्सी है, 5 बड़े सवाल इसने खड़े कर दिए, इसी कुर्सी के लिए अपने चाचा को छोड़ा। राखी बख्शी, आपका रिएक्शन? इक्वल टू 1000 स्टोरीज, तो मुझे लग रहा है कि ये जो विजुअल्स हैं वो बहुत पावरफुल धीरे धीरे होते जा रहे हैं शोभना, न सिर्फ खाली कुर्सी उधर 162 का शक्ति प्रदर्शन, तो ये सब कुछ दिखाने की कोशिश है कि हम साथ साथ हैं। मैंने पहले एक बार कहा था कि कहीं ना कहीं ये तो जाहिर है कि भले ही अजीत पवार कुछ भी सोच रहे हो लेकिन इस समय अलग थलग जरूर दिखाई दे रहे हैं, वो आगे क्या होगा हम नहीं जानते। दूसरा, आप दल और दिल की बात कर रही थी, इस समय जो ये विजुअल आएंगे उससे ये पता चलेगा कि दल तो है और अगर दिल बदलते हैं तो वो भी शायद साफ हो जाएगा। ठीक है, और राखी अब मैं रुक कर लेती हूँ मेरे सहयोगी अजय दुबे का, बताइए अजय दुबे क्या इस समय का अपडेट है, कौन कौन कहाँ पहुंच रहा है, क्या हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि ये महाड्रामा महासियासत का लगातार जारी है महाराष्ट्र में। देखिए बिल्कुल ड्रामा फिल्म की तरह सब कुछ लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में जारी है। हयात होटल अब इस ड्रामा फिल्म के फ्रेम में इस समय मुख्य किरदार निभा रहा है। देखिए ये हयात होटल है मुंबई में सांताक्रूज इलाके का, जहां तीनों जो दल हैं शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर पहुंच रही है। एनसीपी के विधायक यहीं पर रुके हुए हैं, तो शिवसेना के विधायक जो सुबह तक ललित होटल में थे, दिन में जिन्हें लेमन ट्री भेजा गया था, वो भी अब बसों में भरकर इसी होटल में पहुंच रहे हैं। एक जो उनका काफिला है पहुंच चुका है, और भी जो तमाम विधायक है छोटी गाड़ियों से यहां पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों की जो गाड़ी है जेडब्ल्यू मैरियट से निकल रही है वो भी यहां पर पहुंच रही है। तो तमाम जो तीनों दलों के विधायक हैं यहां पर बुलाया जा रहा है, और जो बड़े बड़े नेता हर दल के हैं, चाहे वो एनसीपी के शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, शिवसेना से चाहे उद्धव ठाकरे हो, और कांग्रेस के जो यहां के राज्य के प्रमुख नेता है वो सारे यहां पर पहुंच रहे हैं। और कोशिश ये है कि 162 का आंकड़ा जिसकी वो बार बार बात कर रहे हैं, देखिए ट्वीट संजय राउत की तरफ से किया गया, बताया गया कि 162 विधायकों का नंबर उनके साथ है, उन्हें यहां पर बैठाकर उनके सामने अपना पक्ष रखना और बताना, मीडिया को यह बताना, मीडिया के जरिए देश को यह बताना कि उनके पास नंबर है, उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। जी अजय दुबे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, और बिल्कुल आज की सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में अगर कोई हॉटस्पॉट है तो वो ग्रैंड हायत की है। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, चाचा शरद पवार जो हैं वो सोफे पर बैठे हुए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। मृत्युंजय बताइए, ये तस्वीरों में हमें शरद पवार दिखाई दे रहे हैं, और कौन कौन पहुंच गया वहां? देखिए एनसीपी के तो तमाम विधायक यहाँ पहले से थे ही, लेकिन शरद पवार सुप्रिया सुले के हमने एक साथ आते हुए देखा है। सिल्वर ओक से जब दोनों साथ में निकले तो रास्ते भर बात करते हुए पहुँचे, और यहाँ पहुँचने के बाद में चेहरे पर कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो तस्वीर परसों इन्होंने देखी थी वो तस्वीर अब अलग है। जो सुबह सुबह सब ब्लैंक थे अचानक कि एनसीपी में ये क्या हो गया, सुप्रिया सुले का आपने अभी जिक्र किया था, जो उन्होंने स्टेटस लगाया था कि पार्टी एंड फैमिली स्प्लिट, तो वो क्षण और अब का क्षण अलग है, क्योंकि जितने विधायक गए थे वो वापस आ गए, जो 2-3 विधायक उनकी खबर नहीं मिली थी वो भी सुबह लाए गए यहाँ पर, तो एक सिर्फ अजीत पवार अकेले पड़ गए हैं। लेकिन यहाँ जो है वो तैयारी है दिखाने की, अपना शक्ति प्रदर्शन करने की, पवार की पावर को यहाँ पर दिखाने की कोशिश है, और शरद पवार कितना दम रखते हैं वो यहाँ दिखाया जाएगा। और तीनों ही दलों के जो विधायक हैं, जब एक साथ 162 विधायकों की तस्वीरें सबके सामने होंगी, तो कहीं ना कहीं ये एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है वो जरूर देखने को मिलता है। बिल्कुल मृत्युंजय, और हम अपने एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दें कि हमारे रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद हैं, सबसे पहली तस्वीरें, सबसे एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं।